Thank you.
पुरुषों में पुरुषोत्तम योग में पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं युग शुरू होने से ही उत्तम बनती है क्या, अंत में बनती है क्या, शुरू से अंत तक बनती रहती है? और अब तक कितनी बनी है पुरुषों में उत्तम आत्मा? अब तक कितनी बनी है ये भी नहीं मालूम, अब कितनी बनने वाली है ये वो भी नहीं मालूम, और कब से उनकी प्रत्यक्षता होगी वो भी नहीं मालूम। अच्छा एक एक करके प्रश्न पूछो, सारे करके पूछिए। पुरुषोत्तम योग में पुरुषों में उत्तम बनने वाले आत्माएं शुरू से उत्तम बनती है क्या, अंत में बनती है उत्तम? नाम ही है पुरुषोत्तम संगम योग। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली ऐसी पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं जो है उत्तम पार्ट बजाने वाली कितनी है? 108 है। सजाए खाने वाले भी 100 है, वो भी पुरुषोत्तम 8 है। 8 तो है उसमें, 1 जो 8 है वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही उत्तम बनेंगे या सती युग में बनेंगे? संगम युग में ही उत्तम बनते हैं, इसलिए परमात्मा बाप उनको प्यार से सर के ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य को पूरा किया। और शुरू से ही नहीं बनते हैं सब नंबर वार हैं, ये एक जैसे तो नंबर वार ही बनेंगे या एक साथ बन जाएंगे? नंबर वार ही प्रत्यक्ष होंगे या एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबर वार ही प्रत्यक्ष होंगे। बाबा अभी आयोजन में आशा के सितारे और उम्मीद के सितारे दो शब्द आए हैं, आशा के सितारे और उम्मीद के सितारे, हाँ जी दो शब्द आए हाँ। तो आशा और उम्मीद में अंतर क्या है? आशा लगी हुई है बाप दादा को कि आज नहीं तो कल हमारी आशा को पूरा कर देंगे, और उम्मीद शब्द ही उर्दू का है या हिंदी का है? उर्दू का है। तो उनसे बोला अब उनके लिए भी उम्मीद है, अब बने ना बने वो अलग बात। बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं और यहाँ पर मम्मा बाबा आपको आना ही होगा, ये संकल्प है, संकल्प और आह्वान में क्या फर्क है? वहाँ संगठन में बैठ के आह्वान करते हैं, सब अलग अलग आह्वान करते हैं, संगठन में बैठ के आह्वान करते हैं और यहाँ अलग अलग, कोई संगठन में बैठ के आह्वान थोड़े करते हैं। जिससे प्यार होता है उसे नजदीक तो सब बुलाना चाहते हैं, ये ऐसा भी होता है जो नजदीक न बुलाना चाहता हो है, लेकिन संगठित प्रयास करके स्पेशल प्रोग्राम बना करके बुलाना आवाहन करना वो अलग बात हो जाती है। बीच में तो
सभी के संस्कारों को बीच में रह करके संस्कार मिलाना है। सभी के संस्कारों के बीच में रह करके संस्कार नहीं मिलाना है, अलग रह करके भुट्टैल होकर के मिलाना है या सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ मिलाना है। इसका अर्थ यही है जो भी ब्राह्मण परिवार की भांति है चाहे कोई के साथ भी रख दिया जाए उसके साथ हमारे संस्कार मिल जाए, टकराए नहीं, वाइब्रेशन नहीं टकराए, दृष्टि की तनातनी ना हो जाए, भाषा की तनातनी ना हो जाए, हाथापाई भी ना हो जाए। अगर ये सब होता है तो उससे साबित होता है कि प्यारे और प्यारे संस्कार नहीं बने। ब्रह्मा विष्णु और शंकर बाप की तीन मूर्तियाँ हैं, बाप से निर्मित तीन मूर्तियाँ। वैसे बाबा बोलते हैं कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है, धर्मराज मेरा राइट हैंड है, तो वो अलग पार्ट है, अलग आत्मा का पार्ट है। त्रिमूर्ति में राइट हैंड नहीं है, त्रिमूर्ति में राइट हैंड कौन है? त्रिमूर्ति में राइट हैंड ब्रह्मा बैठा है ना, तो अलग रस में पाठ चला देंगे, अलग रस में पाठ चला देंगे, अलग अलग रस में पाठ चलाते हैं, मन अलग रस होता है जब उनका धर्मराज के लिए धर्मराज प्रवेश करके शरीर तो एक ही है लेकिन प्रवेश करके पाठ बजाती है ना वो आत्मा, मैं अलग रस में पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में राम कहते हैं, राम भगवान भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग में शंकर भगवान कहते हैं। तो अब ये एक ही पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी तो एक ही है लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग 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 ऐसे ही है। शरीर अलग है, शरीर कहाँ अलग अलग है? वही पूछ रहे कि शरीर अलग है। पर्सनालिटी माने शरीर, पर्सनालिटी अलग है ना, पर्सनालिटी अलग नहीं है, पर्सनालिटी एक ही है लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग है। तो धर्मराज का पार्ट है वो धर्मराज वाली ही आत्मा बजाएगी। बाप तो प्यार का सागर है, बाप प्यार का ही पार्ट बजाएगा या धर्मराज का पार्ट बजाएगा? बाप तो प्यार का ही पार्ट बजाएगा। दो दिन की बात है, फोन आया था घर में, अभी चार पांच माताएं हैं जो अज्ञान में थे, तो हाथ उठा जरा। फोन आया था, चार पांच माताएं हैं अज्ञान में थे, वो कह रही है हमें ये ज्ञान सुनना है, तो क्या सुनाए या न सुनाए उसकी क्या चीज हो जाएगी? ये भी बात पूछने की है लेकिन अगर अज्ञान में है, अज्ञानी आत्माएं हैं, अज्ञानी माताएं हैं, तो उनके लिए पूछना है कि सुनाए कि न सुनाए? माने अभी तक जितनी सेवा की है वो एक एक पूछ पूछ के की? नहीं बाबा, लेकिन वो अभी हमारा ग्रुप मिल करके बोल रहे हैं ना, हमें पांच छह ग्रुप हो गया था ना, हाँ उनका फोन आया कि हमें वो ज्ञान सुनने की इच्छा है। हाँ तो उनसे कहो कि हमारा नियम ये है, हम एक एक को बैठ के समझा आजा। बाबा आज की वाणी में सुनाया ना ब्रह्मा बाबा ने, वो क्लियर बता रहे हैं ऐसा कि स्लोगन सुनो, वरदान सुनो, सार सुनो, कुछ भी सुनो, फोन पे सुनो, तो ऐसे क्लियर करने से तो और भी मना झगड़ा मना उनको यही चीज है। वो कैसे भी कनेक्शन में आ रहे हैं लेकिन रेगुलरिटी है ऐसे हैं जो कहें कि ये हमारे क्लोज कनेक्शन में आ गए, ऐसे तो नहीं जब चाह तब चले आए, बुलाने से चले आए, वो नहीं। एक घर की दो माता हो तो उन्हें ज्ञान दोनों को सुनाना है ये। एक घर की दो माता है, एक
पुरुष लेते हैं अलग अलग। पहले दिन जब बुलाया जाता है जिज्ञासुओं को या जिज्ञासु आते हैं तो तभी उनको परख लेना चाहिए। एक दूसरे को सामने आमने बैठ कर आमने सामने बैठ करके ही क्रास करने वाले तो नहीं है। या एक परिवार की पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सब इकट्ठे आ गए। जो परिवार का मुखिया है उसके सामने बड़बड़ करके बोलने वाले तो नहीं है। अगर सामने ही बैठ करके बड़बड़ करके बोलते हैं तो बात समझने नहीं देंगे। इसलिए पहले दिन परखना है और परख करके उनको अलग अलग कर देना है, अलग अलग करना है या इकट्ठा समझाना है, ये देखना है कि क्या करना चाहिए, फैसला लेना। बाबा बरसों से पहला गुरुवार यहाँ होता है तो पहला गुरुवार यहीं रहे जो जब आपको बुलाया कल परसों तब आप आए ही नहीं, बैठे ही नहीं, आपने फाइनल नहीं किया तो हमने फाइनल कर दिया कि गुरुवार को दौड़ में होगा। पहले भी क्या था ना, गुरुवार को दौड़ में होगा और रविवार पहला गुरुवार इधर रहेगा तो वो कुछ नहीं। क्यों नहीं? अब तो फाइनल इसलिए कर दिया कि आपको बुलाया आप नहीं आए। हम तो आए थे लेकिन आप बैठे ही नहीं। नहीं गाड़ी नहीं थी ना बाद में है? तो 9 बजे गाड़ी थी। 9 बजे गाड़ी, 24 घंटे बाद गाड़ी हो, गाड़ी को क्या हुआ? नहीं थी बाबा, गाड़ियाँ नहीं है, बसें नहीं है। 9 बजे के 5:30 बजे के बाद बात नहीं होती है। नहीं और पहले से आपने खुद ही कहा था कि हम आकर के आपस में मिलकर के फैसला करेंगे कि गुरुवार को कहाँ क्लास होना है, संडे को कहाँ क्लास होना है। आप अपनी कही हुई बात भूल गए। भूला नहीं बाबा, तो सब्जेक्ट निकला ही नहीं। क्या सब्जेक्ट निकला नहीं? हाँ, तो इसलिए आपने टाइम ही नहीं दिया। आप तो फोन गए कि पहले यहाँ और पहले नहीं टेलीफोन पे। और ये भी बात थी, आपसे कहा था कि पूना वाले सब लोगों को बताना कि दौंड में प्रोग्राम है। हाँ, उनकी भी सहमति। सबको बताया बाबा, पूना के सबको बताया। लेकिन वो देखो आपके पीछे ही बैठा कौन है? बताए हमने नहीं बताया इनको, मैंने बताया खुद फोन करके। ये कैसे नहीं कहेंगे पर पूछो मेरे। आपके सिवाय और शालिनी माता के सिवाय कोई आया कौन यहाँ से? मैंने सबको फोन किया, पूछो सबको, जो जो पुणे में रहते उनको सबको पूछो कि मैंने फोन किया है नहीं। पूछो इनको भी, पूछो जिनको है उन सबको पूछो कि मैंने फोन किया है नहीं। कोई आया नहीं? आया नहीं इसका मतलब मैं जिम्मेवार नहीं। मैंने सब मेरी ड्यूटी कर दी कि मैंने सबको बता दिया, आना ना आना उनकी जिम्मेवारी कर दी। लेकिन अधूरी ड्यूटी जो आए वो भी नहीं बैठे। नहीं आदेश देखो बाबा, पहले से ही आपने कहा था कि पहला गुरुवार जो है तो यही होगा। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने तो साफ साफ बता दिया, आपस में बैठ करके फैसला कर लो। हम इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे, आपस में बैठो पहले करो कि कहाँ कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ तो पहला गुरुवार जो यहाँ चल रहा है तो आप नहीं बैठे, आप नहीं बैठे तो हमने फाइनल कर दिया। और कुछ बुरा तो फाइनल नहीं किया? नहीं नहीं बुरा तो नहीं, लेकिन पहले भी क्या हुआ है ना यहाँ पहला गुरुवार। कोई बात नहीं, अभी तो उनको अनाउंस कर दिया कि गुरुवार गुरुवार दौंड वाले इकट्ठे हों या जो भी आना चाहे वो गुरुवार को दौंड में आए। और हाँ और संडे संडे को पूना में। एक गुरुवार जब से चल रहा है तो पहले गुरुवार को क्यों नहीं बाबा? अब परंपरा आप नभाने के लिए आप अपनी अपनी बात को पूरा करिए ना। आप क्यों भाग खड़े हुए? भागे नहीं और क्या किया? साथ में माताएं थी, उनको जाना था ना। कौन सी माताएं थी? दो तीन माताएं थी। कीमत बदल जाती है माने? आप पहले पहले बात बोले थे वो, अब बात क्यों बोल दी? पहले बात बोली थी वो, अब बात क्यों कैंसिल कर दी? इसको रुआने मिले थे कहेंगे? हमें क्या पता बाबा कि आपने उधर प्रोग्राम इसके लिए रखा था? पूछो इनसे, इनसे कहा था कि नहीं कि दोनों में प्रोग्राम? आप इनसे पूछो ना कि इनसे कहा था कि नहीं कि बाहर आकर के फैसला कर लेना। अरुण भाई से पूछो, तुम्हारी आपस में खटपट कर रही थी तो हम क्या करें? पहले गुरुवार बाबा नहीं, पहले गुरुवार को आपने मान लिया था। अरे पहले गुरुवार की बात हुई, फाइनल करने के लिए आपको बुलाया था ना। दूसरे गुरुवार के बारे में मैंने पूछा, गुरुवार नहीं फाइनल करने पहले बुलाया था ना।
पहले की बात है, पहले गुरुवार का जो है वो तो आपने कहा था कि पहले गुरुवार को ज्यादा जो कहा था वो मैंने पहले नहीं, अभी फोन पे क्यों कहेंगे फोन पे, जब हमने कह दिया कि आप आ रहे तो फैसला कर लो दोनों लोग मिलकर के, और जो भी भाई बहन है वो सब आपस में मिलकर फैसला कर ले, हम क्यों बीच में पड़ेंगे। हाँ फिर अभी भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों भाई? नहीं गुरुवार बाबा ये हमने सही फैसला किया है, गुरुवार गुरुवार दोनों वालों को चांस दो और रविवार रविवार पूना वालों को चांस दो। पूरे रविवार इधर, पूरे गुरुवार उधर, लोगों को याद नहीं रहता अरे इस गुरुवार को कहाँ जाए उस रविवार को कहाँ जाए। नहीं नहीं सर एक ही गुरुवार का है ना सवाल? नहीं नहीं कोई सवाल नहीं, कौन सा दूसरा गुरुवार रविवार वो याद नहीं रहता। याद नहीं रहता। हाँ पहला गुरुवार या चौथा गुरुवार जंपिंग हो जाता है इसको भी गुरुवार उधर सभी गुरुवार डाउन में जो भी गुरुवार है वो डाउन में और रविवार इधर और संडे को हर गुरुवार हर गुरुवार पहले आपको बाबा एड्रेस भी बताना है मधुबन का कुमार गली। अच्छा आरती मां परेशानी है इनके पास पूना वालों के एड्रेस के लिए और एड्रेस आप फोन नंबर ले लीजिए सबसे। हाँ बाबा और बाबा के हाथ में देना है। बाबा के हाथ में क्या बात होती है? हम बाबा को ही देंगे। हम किसी को नहीं देंगे। बाबा बच्चों को दे दें फोन नंबर चाहिए फोन नंबर। और बाबा मधुबन का एड्रेस है कुमार गली और ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम बताइए। नहीं बाबा ये अभी सातारा वाले भी आए ना इनको पता नहीं ना एड्रेस, और पूना वालों को तो अभी मालूम ही नहीं आते नहीं लो बाबा के हाथ में आ गया। बाबा अभी मुरली में बोला ना कि वो बोला वो ब्रह्मा बाप भी सामने जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की बात है ब्रह्मा बाबा की बात है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे बाप हो सामने जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। ये बाप माना प्रजापिता भी, प्रजापिता नहीं भूल जाता बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। लो नौ से छब्बीस है ना, नौ से छब्बीस है तो उसमें क्या बताया कि माता पिता आबु पर्वत पर और मिलेंगे माता पिता और जगह कौन से रूप में मिलेंगे ऐसे बोला है उसमें कि माता पिता के माता पिता आबु पर्वत पर और बॉम्बे में मिलेंगे ऐसे बोला है मुझे। मतलब दो जगह माता पिता के रूप में मिलेंगे फिर और जगह किस रूप में मिलेंगे ऐसा तो कुछ सुना नहीं बाबा मुरली में पढ़ा की थी ना? नहीं बाबा सीढ़ी में सुना बॉम्बे में और पर्वत पर माँ बाप के रूप में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं माना ये मैं पूछ रही हूँ कि किस रूप में मिलेंगे? आपने पता नहीं किस रूप में पढ़ लिया? नहीं बाबा उधर सुना ना मैंने सुना क्यों तुम सुनाई बातों से तो नहीं सीढ़ी में बाबा मुझे किसी ने नहीं सुनाया सीढ़ी में मैंने क्या शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है गाया हुआ है शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट है शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट है तो फिर विनाश तो तू शक्तियाँ करती है ना? लेकिन गायन किसका है? शंकर का प्रैक्टिकल विनाश तो प्रैक्टिकल शक्तियाँ करती है तो फिर प्रैक्टिकल शंकर का पार्ट बोले तो शंकर तो पार्ट शंकर का है वो एक अलग बात लेकिन विनाश प्रैक्टिकल कौन करती है वो एक अलग बात। तो तू शक्तियाँ शंकर द्वारा करती है क्या? शंकर द्वारा नहीं करती है प्रेरणा देने वाला योग बल वाला चाहिए
यौवन से बुद्धि को घुमाने वाला चाहिए। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसीलिए गाया हुआ है कि जो कराने वाला होता है, जो बुद्धि को घुमाने वाला है, उसका गायन होगा या मजदूर का गायन होगा, यानी कि प्रेरणा प्रवृत्त करता है, प्रेरणा जो करता है उसका गायन हो गया। धर्मराज का पार्ट पुरुष का ही होगा ना, और ये जो यज्ञ का हिसाब संभाले वो ही करेगा ना, यज्ञ का हिसाब जो संभाले, मतलब दंड कौन देता है, जिसको हिसाब किताब मालूम होगा वो दंड देगा ना, माना बाप दादा को पिता को पता नहीं होता, नहीं बाप दादा को तो पता है तो उनके हैंड्स नहीं होंगे, अच्छा वही ना, बाप दादा के हैंड्स होंगे तो उनका अपना अपना काम अपना अपना रकबा बता हुआ है। बाबा आप चारों कुछ पड़ा दौड़ में मुरली सुनाने की तो बात ही नहीं आई बाबा जी, क्योंकि सदगुरुआ जो है तो वो सदगुरुआ किसका होता है, शिव बाबा का होता है, फिर चारों गुरुआ उसको दे दिए तो ये तो ठीक नहीं किया आपने, चारों गुरुआ क्यों गुरुआ ले दिए, मुझे ना उसमें सदगुरुआ क्या चाहिए, क्या गुरुआ चाहिए, अच्छा चलो माता जी को सुनो, दिक्कत माता जी को होगी गुरुवार वहाँ जाने में, इसलिए गुरुवार भी पूना में होना चाहिए और संडे भी पूना में होना, जाने का मामला खत्म, चलो पूना जिंदाबाद, पूना मोटाबाद, अरे देवान कहाँ 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 चले, आप उनको समझाइए, माता कह रही है हम गुरुवार को वहाँ जाएंगे, एक गुरुवार बोल रहे बाबा, सबको जमना आपको ये उन्होंने कहा कि आप गुरुवार में जाइए ही वहाँ, किसने कहा मत जाइए, संडे संडे यहाँ अटेंड कर लो वो ही बहुत, कम से कम एक बार भी अटेंड संगठन में आता हूँ क्या, आपको आदत गुरुवार की तो संडे उनको दे दो, एक बार संडे को जाएंगे, अब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो कैसे मिल जाएंगे, बाबा पुणे में एक भाई आता है वो बोलता के वो हमारा देव है, वो गुप्त पुरुषार्थ करते, पहला विषय का पॉइंट क्या है कि शिव शक्ति जगत माता जगत मम्बा दिल्ली का गेट खोलने वाली है, तो तुम मम्बा को याद करो, मम्बा को याद करो, ये किसने कहा अम्बा को याद करो वो बोलते हैं ना है? वो लोग बोलते हैं, हाँ तो क्यों दुनिया भर की बातें सुनते हो, हमने सुनी बात, अब बात बुद्धि में चल रही है कि वो भाई ऐसा कहता है, देखो हमको क्या बोलता पसंद है तुम्हारे बरखिलाफ बात बोलता है, एक कान से सुन दूसरा हमने से निकल लिया, पर बोलते कि तुम्हारे बुद्धि में बाबा की याद आती नहीं, वो मुरली सुनना जरूर है, यानी वो मम्मी मतलब मम्मी वर्षा देना है, बाप वर्षा देना है ना, उनका सुनना मेरा घर साकार में आकर बाप वर्षा देता है ना, तो मम्मी को याद कैसे करना, तो मम्मी का वर्षा जो मम्मी ने किया तो मम्मी को मिल जाएगा, हमको क्या मम्मी वर्षा देगा का, लेकिन बाबा ने तो बोला है ना कि शिव बाबा से प्रजापिता को वर्षा मिलता है और प्रजापिता अम्बा को वर्षा देता है और अम्बा सब बच्चों को बांटती है, ये बोला है कि नहीं, जगदम्बा सब बच्चों को बांटती है, तो वो उसके समझने में भूल हो गई थोड़ी, आप समझा नहीं सके, और
महाकाली का पाठ शुरू होगा ना, आरोप शादी के लिए सिंपल के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए क्या एडवांस क्या बेसिक और क्या बेसिक। जो महाकाली का पार्ट है वो असुरों के लिए होगा या बेसिक वालों के लिए होगा, एडवांस वालों के लिए नहीं होगा, या एडवांस वालों के लिए होगा बेसिक वालों के लिए नहीं होगा। दुनिया में जो भी असुर है उन असुरों का खात्मा महाकालियों के द्वारा होगा, महागोरियों के द्वारा नहीं होगा। उन्हीं ने ज्यादा चिपकाया है, उन्हीं के द्वारा होगा। अरे जो प्यार करेगा वो ठुकराएगा अभी कभी कि नहीं ठुकराएगा? एक भगवान का ऐसा पार्ट है वो प्यार ही प्यार करता है, बाकी जो दुनिया में किसी का पार्ट है दुख देगा तो सुख भी देगा, सुख देगा तो दुख भी देगा। कृष्ण की आत्मा संघ के रंग में संपूर्ण क्यों नहीं होती? संघ का रंग तो लगता है ना आत्माओं को, अभी तक कृष्ण की आत्मा संपूर्ण क्यों नहीं होगी? मुझे नीचे अनिश्चय के चक्कर में आ रही है, जबकि अभी 3-in-1 पार्ट चालू है ना, तो संघ का रंग लगना चाहिए ना। संघ का रंग उसको लगेगा जो अपने को बच्चा समझेगा बाप का, और खुद ही अपने को बाप समझे बैठा हो तो यानी कि अभिमान ज्ञान का अभिमान के? तो कृष्ण की आत्मा तो बेबी बुद्धि का है ना, मुरली में बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि है तो फिर बच्चा बुद्धि माने ना समझ, ना समझ माना। जो 4.5 लाख है जन्म देने वाले वो बाप है, उसके बाद जो पहला नंबर आता है वो कौन है? वो अव्वल नंबर पहला वो बच्चा बुद्धि है। तो जो अव्वल नंबर बच्चा बुद्धि है उसको पहले बुद्धि में बैठेगा या बाद में बैठेगा? बाद में बैठेगा। बाबा घर महाराज सबके सामने सजा देगा, घर महाराज घर में जब होती है तो सजा मिलेगी। जो घर में होती है वो घर में सब ज्ञानी है या अज्ञानी भी है? अज्ञानी है तो उनको सजा पहले क्यों मिलेगी? जो ज्ञानी है तो ज्ञानी होने का दम्भ भरते हैं कि हम बाप के बच्चे हैं, जिनको बाप की पहचान भी है उनको पहले सजा मिलनी चाहिए या ज्ञानियों को मिलनी चाहिए? ज्ञानियों को पहले मिलनी चाहिए। तो बड़ी मुसीबत आ गई, इससे तो अच्छे ज्ञान में न चले हो तो बढ़िया। जब आता हो तो किसी को पता भी नहीं पड़ता कब आया कब रखने पधारा, मालूम नहीं पड़ता है? हमें तो बाबा के नयन चयन से मालूम पड़ता है, साकारी तेज निराकारी तेज ये अब आया अब नहीं आया। वहाँ तो निरंतर है लेकिन साकारी निराकारी तेज अलग अलग होती है ना, इसका एहसास होता है ऐसा कहने तो का। निराकारी है तो कौन है? निराकार शिव। निराकारी है तो शिव बाबा नहीं यार पता स्टेज बदलते रहते हैं, कहने का मतलब निरंतर बाबा है लेकिन स्टेज बदलने का एहसास हमें होता है। नहीं जब आपकी निराकारी स्टेज नहीं बनती, बाबा को बनती है नहीं बनती है तो आप में बाप है बनना चाहिए। मेरा करे नंबर बार बनती है। हाँ नंबर बार तो नंबर बार बाप हुए ना। बाबा एक चित्र में दत्त के आजूबाजू में एक कुत्ते दिखा है, उसका क्या रहस्य है? चित्र है दत्त का चित्र है, उसके आजूबाजू में कुत्ते दिखाए, हाँ वो अलग अलग कलर के, उसका रहस्य क्या है?
भगवान का नाम नहीं बताया आपको है? दत्तात्रेय। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा, तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन तीन? ब्रह्मा, यज्ञ के आदि में जो अम्मा थी ब्रह्मा, विष्णु जो वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली, और राम वाली आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन, जिन तीन आत्माओं का पार्ट है, आज में भी था अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और अभी भी प्रत्यक्ष ज्ञानियों को है, तो उन तीन के द्वारा दिया हुआ है। कौन? दत्तात्रेय। वो कौन है? ब्रह्मा। कृष्ण वाली आत्मा, वो कृष्ण वाली आत्मा, उसकी राशि किसके साथ मिलाई जाती है? क्रिश्चियंस के साथ मिलाई जाती है। जिन क्रिश्चियंस के साथ राशि मिलाई जाती है, वो जानवरों में कुत्ते को ज्यादा प्यार करते हैं, किसी और जानवर को ज्यादा प्यार करते हैं? कुत्तों को ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये परंपरा शुरू कहां से हुई? नहीं, संगम से ही यादगार पड़ी। ब्रह्मा बाबा विष्णु को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो ही एक ऐसा बंदा था जो मुसलमानों में जाता भी था रोज, और अंदर यज्ञ में भी बैठता था। और कोई भाई ऐसा नहीं था जिसका मुसलमानों से भी संबंध संपर्क रहा हो। फिर एक से चार तो हो ही जाते। लेकिन इस बारे में ब्राह्मण को पूछा था तो उन्होंने बताया चार कुत्ते माना चार वेद है। बाबा, इस एडवांस नॉलेज ने हमें ये पता चलेगा कि माउंट आबू में गुर्जर दादी क्या आप कितने साल तक आएंगे? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा अस्त हो सकता है, है? पूर्णिमासी को ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बने, तो दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाता है। माउंट आबू में सनसेट पॉइंट यादगार है, अस्त की यादगार है ना, अस्त की यादगार है। अभी वहाँ सूर्योदय की भी यादगार बन गई, सनराइज पॉइंट भी बन गया। हाँ। तो ड्रामा प्लान अनुसार बन गया, स्थूल है ना, या ऐसे ही बन गया स्थूल, तो वो अस्त का पॉइंट भी स्थूल ही है। ड्रामा प्लान है। तो बाबा वहाँ से वो दुनिया उगते हुए सूरज को देखने जाएगी क्या? है वहाँ खड़ी रह के पॉइंट बनाया है तो वहाँ सूर्य उदय होता हुआ दिखाई पड़ेगा आबू रोड की तरफ से। हाँ, सूर्यास्त का पॉइंट पश्चिम की साइड में है, ऐसा बताया गया है। अंत समय सब विनाश हो जाएगा, तभी सिर्फ एक ही रेल चलेंगी और वो माउंट आबू को जाएंगी, और संकल्प द्वारा हम पता चलेगा तो हम वो किसते हुए उधर जाएंगे, बाकी सब नई वगैरह वगैरह ऐसा क्या सही है क्या? माउंट आबू में सब जमा हो जाएंगे आत्माएं, सब जमा हो जाएंगे। हाँ, सब क्यों जमा हो जाएंगे? जिनका दिल का प्यार होगा, जिनको ट्रंकाल आएगा, ट्रंकाल हाँ, संकल्प का ट्रंकाल क्या है? दिल, जिनको दिल से राहत होती है ना, तो जिनको जिनका दिल दिलवाला बाप के साथ लगा हुआ होगा, उनको ट्रंकाल आएगा, अंदर से महसूस होगा कि अब जाना चाहिए, जाएंगे। बाकी एक ट्रेन चलेगी, तो जब 47वें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो क्या एक ही ट्रेन चली थी? अलग अलग जगह से अलग अलग ट्रेन चली थी ना, बाकी जो पहली ट्रेन में चढ़ गए तो बच गए, उसके बाद जब दूसरी ट्रेन चली तो वहाँ कट मर गए जाके।
ऐसे ही होगा, जिनको ठंकाल आएगा, जिनका दिल दिलावर के साथ लगा हुआ होगा, क्या पूना वालों के साथ न लगा हुआ हो? तो उनको ट्रंकाल आएगा और वो चल पड़ेंगे। बाबा गंगा को शंकर जी के माथे के ऊपर अष्टदेव के ऊपर भी जी कहते हैं। गंगा को शंकर के माथे पर अष्टदेव के ऊपर भी ऊपर जी कहते हैं। सेवा करेगा तो मेवा नहीं खाएगा, तो अष्टदेव भी ज्यादा सेवा करते हैं ना, तो वो सेवा करते हैं, लेकिन जो अष्टदेव सेवा करते हैं वो प्योरिटी का पालन उतना करते हैं। उतना प्योरिटी का पालन करते हैं जितना जितना गंगा करती है, यानी वो धारणा में आगे जाती है। कन्या माता धारणा में आगे नहीं जाती, ये तो रुद्रमाला के मार्गे हैं। और बाबा ब्रह्मा बाबा को दधी की ऋषि कहा गया है। क्या कहा? दधी की ऋषि। हाँ जी, देह का त्याग करने वाले हैं, तो उन्होंने माउंट आबू में शरीर छोड़ा है। तो उनका शरीर छोड़ने का यादगार अन्य जगह बन सकता है? उनका शरीर छोड़ने का यादगार अन्य जगह पर बन सकता है? अन्य जगह दूसरी जगह बन सकता है क्या? यहाँ बना दिया, घर घर में बना दिया यादगार, घर घर में त्रिमूर्ति का चित्र लगाया, वहाँ ब्रह्मा बाबा भी रख दिया, घर घर में ऊपर शिव बाबा का चित्र लगाया, नीचे ब्रह्मा बाबा बड़ा सा चित्र लगा के रख दिया। नहीं, भक्ति मार्ग में दधीचि ऋषि की समाधि कोई जगह हो सकती है? होगी, क्योंकि हमारे गांव में दधीचि ऋषि की समाधि है। हाँ। तो कैसे वो यादगार बन गए उधर? ज्यादा फॉलो करने वाले निकले हूँ, आगे निकलने वाले हूँ। बाबा छोटी मम्मी आएगी ना तो स्वर्ग में जाएगी सीधे सीधे, मना ज्ञान लेके। अच्छा, हाँ, तो ज्ञान लेके सीधे ही चली जाएगी माउंट में तो नहीं आएगी ना, ज्ञान लेके सीधे ही स्वर्ग में चली जाएगी। तो बाबा ने बोला है ना सीधे ही स्वर्ग में जाएगी पवित्रता के कारण है, पवित्रता के कारण। हाँ, तो पूरा नहीं हुआ प्रश्न। हाँ, तो फिर उसके बाद में वो स्वर्ग में जाने के बाद तो 2500 वर्ष आते नहीं ना मृत्यु लोक में, तो फिर बर्फ में दबने का कारण क्या उनका? बर्फ में दब क्या, शरीर जो है थोड़ा थोड़ा बोले आत्मा जो है सुखमयी बन जाएगी या शरीर सुखमयी बन जाएगा? आत्मा बनेगी, आत्मा बनेगी। हाँ। शरीर के लिए तो बोल दिया, शरीर करते जा रहे, आत्मा पावरफुल होती जा रही। अरे सुख जो लेना है संगम युग में वो मन का सुख है, बुद्धि का सुख लेना है, आत्मा का सुख लेना है या देह का सुख लेना है? आत्मा सुख बना रहे, आत्मा का सुख भी तो देह के द्वारा ही होता है ना? नहीं, अतीन्द्रिय सुख किसे कहा जाता है? महसूस का तो इंद्रियों का सुख होता है। नहीं, इंद्रिय सुख इंद्रियों का, देह की इंद्रियों का सुख होता है कि देह की इंद्रियों से परे का सुख होता है? पर मन भी तो शरीर में रहता है ना? मन शरीर में रहता है, लेकिन मन शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज वाला जब हो जाएगा तो शरीर के अंदर महसूस करेगा कि शरीर से बाहर महसूस करेगा? शरीर के अंदर, शरीर से अलग महसूस करेगा। माता पूछ रही है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर करता जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर बीमार बीमार दुखी होगी, परेशान देखने में भी आ सकता है, डॉक्टर कहेंगे इसमें ये बीमारी है, लेकिन जो आत्मा होगी उस शरीर के अंदर, अगर ज्ञानी और योगी तू आत्मा है तो कहिए क्या कोई बीमारी बीमारी नहीं है, हम तो सारा काम कर रहे हैं। और खुशी से करते हैं। बाबा आज से भी नहीं थी सत्य के आत्मारायण की यादगार विनय कहा जाता है गणेश को, और जो बाप का पार्ट सो बच्चों का पार्ट।
ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो गणेश का पार्ट भी किसका हुआ? बाप का। गणेश का भी पार्ट है। तो बाप समान जो बच्चे बनेंगे वो अष्टदेव नहीं होंगे? तो अष्टदेव जो वो द्वापर जब शुरू होगा तो उन अष्ट विनायक के रूप में उनकी पूजा भी होगी। कलयुग भी होगी ना बाबा विनायक के रूप में द्वापर की अंत में। जो जानवर या जैसे देवता हैं उनकी भी पूजा होती है। कलयुग में जानवर बुद्धि ज्यादा होते हैं या और युग में होते हैं? कलयुग में सारे जानवर भाग कभी नहीं सुनते हैं। सारे जानवर भाग कभी नहीं सुनते। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने बोला ये तो जो रोया वो खोया। हाँ? तो बोला हाँ? दिवाली जब सर में करती थे तो रोना आता है। रोना आता है? ऐसे कोई नहीं हुए होंगे जिनको बीमारी तंग करती हो, रोना ना आता हो, खुशी में रहते हो? सबको आता है? नहीं, ऐसे कोई नहीं निकलेंगे जो फरिश्ता बने होंगे? निकलेंगे। ये प्रैक्टिस पक्की होगी या नहीं होगी कि आत्मा अलग और शरीर अलग? अभी तो महसूसता कम लोगों को होती है, नहीं होती है, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ अटैच्ड अटैचमेंट लगा हुआ। तो ये अटैचमेंट दूर होगा या नहीं होगा? जब दूर होगा तो आत्मा डिटैच हो जाएगी और शरीर आत्मा से डिटैच हो जाएगा। तो शरीर का जो भोग है दुख का, वो आत्मा अनुभव करेगी? नहीं करेगी। क्यों डिटैच हो गई? प्रैक्टिस करनी पड़े। प्रैक्टिकल में ऐसा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कृष्ण की आत्मा स्वतः भगवान समजते आणि मराठी में बोल दिया मैंने, गलती से मराठी में बोल दिया। कृष्ण की आत्मा स्वयं को अभी तक भगवान समझते है और राम वाली आत्मा शिव शिव द्वारा अपना प्रजापिता है ना, वो तो यानी कि वो विरुद्ध पार्ट है ना दोनों का, स्वभाव संस्कार विरुद्ध है ना उसके, जो मीनिंग विरुद्ध है ना कृष्ण का और राम का। हाँ। जो भगवान के जो राम वाली आत्मा जो है उसके वाक्यों में उसके द्वारा जो भी रचना हो या लिटरेचर हो या बीसीडी हो आदि हो या जो भी मुरलियां हो जो भी वाणी हो उस वाणी में से कहीं भी एक भी वाक्य ऐसा पकड़ में आता है जिससे वो अपने को ये साबित करे कि मैं प्रजापिता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शंकर हूँ, ऐसा कहीं होता है? नहीं, लेकिन ज्ञान कहता है ना, मुरली में ऐसा कहा है ना। ये तुम्हारी बात को हमने सपोर्ट किया, दोनों के संस्कारों में ये भिन्नता है। तो फिर कंबाइन कर एक आत्मा ऐसी है जो सहज ही अपने को शिव हम कह लेती है, ब्रह्मा आत्मी शिव हम, और दूसरी आत्मा अपने को भगवान नहीं मानती। तो दोनों विरुद्ध स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है। हाँ? जन्म जन्मांतर का ऐसा कंबाइन कैसे होती है? चोली दामन का साथ रहता ना उनका? चोली दामन का साथ हमेशा नहीं रहता, हमेशा नहीं। हर युग के आदि में और हर युग के अंत में रेशम जल तक नहीं। हर जन्म में दो आत्माएं साथ साथ है? दोनों आत्माएं हर जन्म में है? जो 63 जन्म है दो पर कलयुग के उनमें साथ साथ पार्ट। फिर अष्टदेव कौन? अष्टदेव की श्रेणी में होंगे? अष्टदेव सदा साथ की लिस्ट में होंगे
या आठ नारायण सदा साथ की लिस्ट में होंगे, देव नारायण जी वो जो पॉइंट बोला है ना बाबा, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते बाप दादा। तुम बच्चे अलग करना चाहो फिर भी हो एक है? तुम बच्चे बाप दादा को अलग करना चाहो अभी संगम में फिर भी वो एक हो जाते हैं। बाप दादा में तो अलग अलग पार्ट है ना, भले कुछ भी संस्कार में विरोध हो तो भी अलग तो भी एक हो जाएंगे। जिन जातियों की स्थिति बता दी, जिन जातियां भले अलग अलग है तो भी दुनिया को कैसे दिखाती है, एक होकर दिखाती है, बाप दादा नहीं दिखा सकते। बालू के ऊपर बालू के ढेर के ऊपर किला बनाना है, मैंने क्या फालतू का काम करना। दुनिया जो है वो एटम बम बनाने में ज्यादा खर्चा कर रही है या जो जन कल्याण के काम है उनमें ज्यादा खर्चा कर रही है? एटम बम बनाने में ज्यादा खर्चा कर रही है। तो बालू के ऊपर महल बनाया जा रहा है ना, फालतू जा रहा है सारा पैसा बाबा। विष्णु का पार्ट तो सतयुग में है ना, तो फिर ऐसा क्यों क्या मैं जब आता हूँ तो तीनों मूर्तियों के साथ लेकर आता हूँ? विष्णु का पार्ट तो सतयुग में है ना, विष्णु संगम युग में बनते हैं क्या? विष्णु चार भुजाओं वाला सतयुग होता है? नहीं, वो विष्णु द्वारा पालना, विष्णु द्वारा पालना का जो गायन है शास्त्रों ने वो सतयुग रेखा का गायन है। जो भी शताब्दी मार्ग में गायन पूजन यादगार त्योहार है वो संगम युग की यादगार त्योहार यादगार है या सतयुग रेखा की यादगार संगम युग की यादगार है? सतयुग रेखा में पालना का कौन सा कोई यादगार नहीं है, पालना के बारे में किसी के पास कोई हिस्ट्री भी नहीं है। पालना करने नहीं वहाँ विष्णु कहाँ से आया? पालना करने किसी के ऊपर ऐसा दबाव अधिकार नहीं रहता है, सतयुग में त्रेता में ऐसा राजा का ऐसा नहीं रहता क्या कोई हुक्म चलाने वाला? पालना वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है? नहीं नहीं, इसलिए तो शनि शनि वो गिरती कला होती है क्या उसकी? वहाँ अनुशासनहीन कोई है ही नहीं, तो अनुशासन और शासन और हुकुम किसके ऊपर चलाया जाएगा? प्रश्न आया है जो माताएं ज्ञान का दूध नहीं देती है तो उनको कसाई ले जा करके काटते हैं, थोड़ा बदल दिया बाबा ने क्या बोला है? जो गाय दूध नहीं देती तो गाय क्या माता को ही कहा जाता है? कन्याओं को गाय नहीं कहा जाता है? माताएं हो चाहे कन्याएं हो, अगर समाज को विश्व आत्माओं को अगर सुख नहीं दे सकती है दुख ही देती है, तो उनका ये अंजाम बताया क्या अंजाम होगा? कसाई ले जाकर के कसाइयों को दे दी जाएगी, ड्रामा प्लान अनुसार कसाई उनको काटेंगे, उनके मांस से सुख लेंगे, दूध से तो सुख नहीं मिला, मांस से सुख लेने का काम करेंगे। कसाईयों का काम क्या होता है? दूध लेते हैं क्या वो ईवल से कैसे बचें? सपने में भी आते हैं इविल सोल में, और हम पुरुषार्थी बच्चों में खास अंतर क्या है? हम
थोड़े नजदीक आए लेकिन बताया नहीं। खास अंतर यह है एविल सोल बीज रूप स्टेज में नहीं टिक सकती क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में बने हुए हैं और हम बीज रूप स्टेज में आत्मिक स्टेज में टिक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनकी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है देवान में ही लगे हुए हैं, मेरा बच्चा, मेरा चाचा, मेरा काका, मामा, ताऊ, मेरे संबंधी, मेरे दोस्त, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। तो देवान में जिनकी बुद्धि रहती है उनको भूत प्रेत आत्मा परेशान करती है, इसलिए प्रैक्टिस बढ़ाएं। कैसे बचे? प्रैक्टिस बढ़ाएं। क्या प्रैक्टिस बढ़ाएं? सवेरे सवेरे उठते उठते कुछ भी याद ना आए, मैं आत्मा देख लूंगी। स्टार, वो स्टार ही स्टार याद आए तो सारा दिन निराकारी स्टेज बनी रहेगी। कैसे बचे रहेंगे? देवहानि में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे या आत्मा विवर्ण में प्रवेश करेंगे? देवहानि में प्रवेश करते रही स्वप्न की बात, तो सारा दिन जो स्वप्न जो संकल्प करते हैं वो रात में स्वप्न में भी आते हैं। जो बाबा मिसाल देते हैं, मार्केट में बाजार है, कपड़ा बेचता है, सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में सोते सोते अपनी धोती भर देता है। बाबा सत्युग में जब सब आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाबा तो मुरली में बहुत बार कहते हैं ना, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे, कोई राजा बना है, कोई प्रजा बना है, ये कौन निश्चय करता है? यानी कैसे समझ में आता है कि उनके 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक परिवार होता है, उसके मुताबिक कोई सनातन धर्म का पुराना परिवार होता है, देखे होंगे कहीं 7-7 50-50 लोग एक चूल्हे पर रोटी बनती है और बड़े प्यार से रहते हैं, एक आदमी का कहना मानते हैं, छोटे बड़े का लिहाज भी रहता है। ऐसे परिवार होते हैं या नहीं होते? उनमें जो छोटा होता है वो ऑटोमेटिक बड़े उसके ऊपर कंट्रोल चलाते रहते हैं कि नहीं ये करो वो करो वो करो, और छोटे के अंदर ये भावना आती है कि हमको इन्होंने नौकर बना रखा है? नहीं आती है भावना? नहीं आती। ये पारिवारिक भाषणा का फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? अभी पड़ रहा है। यहाँ फाउंडेशन जब पक्का हो जाएगा तो सत्युग में कोई को महसूस ही नहीं होगा कि हम दास हैं, वो प्यार से सेवा करेंगे, जो भी सेवा होगी जैसे बताएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, बुरी सेवा है। जो भी है बाबा ने तो मना किया हुआ है कि किसी को देह अभिमानी ना बनाओ, विकारी न बनाओ। अगर विकारी बनाए दिया और विकार भोगने की लत पड़ गई, प्रैक्टाइज हो गया, अभ्यास पड़ गया, तो यही कहेंगे कंस ने मार लिया, कंस ने आत्मा का हनन कर दिया या बचा दिया? कंस ने आत्मा का हनन कर दिया। तो कंसियों का काम है कन्याओं को कोसना, सात कुमारों को भी कोस लिया जो कृष्ण जैसे बच्चे थे, उनको भी विकारी बना दिया, वो विकारी बन गए तो आत्मिक स्थिति में टिक ही नहीं पा रहे। जब आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो निराकारी स्टेज भी नहीं हो पाए, जो बाप की भी याद नहीं आएगी।
और मुरली में ये बोला है तो सत्यनारायण है सत्यनारायण नहीं मुरली ने ये बात बोली है क्या कि जो जो आत्मिक स्थिति धारण करते जाएंगे माना जिनके जिनके आत्मा रूपी सुनिंग कट उतरती जा रही वो एडवांस में आते जा रही अब उनकी उन सात बच्चों के विचारों की आत्मा की स्थिति नहीं बन पा रही है तो आत्मा की सुई उतरने का तो सुई की कट उतरने का तो सवाल ही नहीं चलिए छोड़ते जा रहे वो कंस की जेल में पल रहे हैं कंस ने उनको पोस लिया जरा संधियों की जेल में राजा ही पड़े हुए थे तो कौन सी जेल हुई विकारों यही विकारों की जेल में उनको बांध लिया कन्याएं सरेंडर होती हैं सरेंडर होने के बाद जो भी भाई आया हम मकान देते हैं हमारे यहाँ सेंटर खोलो उनके भाई को सौंप दिया अब वो भाई क्या जरूरी है कि वो शैतान नहीं बनेगा साथ में माता तो नहीं थी कन्या को अकेला छोड़ दिया तो क्या होगा भारतवर्ष में जो माँ बाप होते हैं अपनी कन्या को जिसको पूजनीय समझते हैं उसको ही सौंपते हैं इसके अलावा और किसी पुरुष के घर में सौंपेंगे नहीं तो ये कंसियों जरा सिंधियों के द्वारा जेल में डालना हुआ या नहीं हुआ जेल में डाली जा रही है पोस्ट घर बन रहे हैं बाबा पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी तो गेंगे ठीक है कौन अभी पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे थे बाबा और पढ़ाई में जो सीखे होंगे पढ़े हुए होंगे जिन्होंने उनका पढ़ाई को गुना होगा धारण किया होगा वो उच्च पद नहीं पाएंगे और जिन्होंने पढ़ाई को नहीं पढ़ा दास दास नहीं बने तो भरी नहीं रहेगी प्रजा क्या करती है प्रजा राजा की भरी धोती है राजा है महलों में रहते हैं उनके महलों की ईंटों की चुनाई कौन करते हैं प्रजा के लोग चुनाई करते हैं राजा राजा ही करता है अपने घर परिवार संबंधियों के साथ और प्रजा के लोग क्या करते हैं लड़ाई में जाकर के मरते कटते खपते हैं ये भरी दोनों नहीं हुआ किसके सुख के लिए तुमने अपने जीवन जान गंवाई राजा अपने पत्नी बीवी बाल बच्चों को विधवा कर दिया दूसरे की राजा के लिए ये भरी दोनों ही तो हुआ तो मूवी में बार बार शब्द आता है टू लेट टू लेट तो ज्ञान में आने के लिए टू लेट है क्या संपूर्ण पुरुषार्थ संपूर्ण बनने के लिए टू लेट का कोई ऐसा लिमिट पा है क्या कि इसके बाद तो कितना भी पुरुषार्थ किया तो संपूर्ण नहीं बन सकते टू लेट हो गया टू लेट का ऐसा ज्ञान में आने के लिए क्या पुरुषार्थ के लिए अभी तो तीन चार वर्ष से जो अज्ञातवाणी चल रही है उसमें अष्टदेवों के लिए लेट और टू लेट की बात चल रही है अष्टदेवों के लिए हाँ जी उनके लिए बोलते हैं कि अभी लेट तो हुआ है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है अभी क्या है तो अष्टदेवों के पुरुषार्थ में गिनती हो सकती है ऐसा पुरुषार्थ पीछा कर सकते हैं अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा लेट हो गया लेट हुआ लेकिन टू लेट है टू लेट नहीं होगा लेट हो लेट इसलिए हो गया है कि जो दो मुख्य मार्के हैं वो डिक्लेयर हो गए बाकी छह तो रह गए हैं यहाँ तुमको नंबर वन नहीं बिठाएंगे वहाँ तुमको नंबर वन बिठाएंगे वहाँ वाले जहाँ परम धाम बनेगा जहाँ सुख धाम बनेगा सुखधाम में राजा गद्दी पे बैठेगा सुखधाम में राजा गद्दी पे बैठेगा ऊंचे ऊंचे बैठेगा आगे आगे बैठेगा या दस दस ही वहाँ में जाके बैठ जाएंगे तो नंबर वाले बिठा देंगे अभी तो माला बनी नहीं है ना अभी माला बन जाए
तो कहेंगे इसको ऊपर क्यों रख दिया, हमको नीचे क्यों, अब जो लड़ाई लड़ रही माला तैयार हो जाएगी, बोलेगा नहीं तो समझ जाएंगे कि हाँ इसने हमसे ऊंचा पुरुषार्थ किया है, ऐसा पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते थे, इसलिए ये हमारे से ऊंचा ही मणका है, हमारे से ऊंचे का ऊंचा ऑफिसर है। बैंगलोर के बाद कल आपने बोला है तीन देवी है मुख्य, एक है लक्ष्मी हद में है वैजयंती माला, लक्ष्मी वैजयंती माला हद में हद में लक्ष्मी छोटी मम्मी वो हद में वैजयंती माला को श्रीदेवी, दूसरी है जगदम्बा वो है यमा मंदिर, मैंने बम्बई की हीरोइन से ऐसे क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आता है, इसलिए बम्बई की हीरोइन को दे करके उदाहरण दे करके समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बम्बईयों को ही तीन प्रेम प्रसिद्ध रही होगी, बम्बई में जो हीरोइन पार्ट बजाती रही है उनमें कोई तीन प्रसिद्ध हुई है नहीं हुई, कौन वैजयंती माला प्रसिद्ध रही है, हेमा मालिनी प्रसिद्ध रही है, और बात की बात है पुरानी बात कर रहे हैं, पुरानी फिल्मों की आशा भोसले गायिका है ना, वो गायिका है गायिका है गाय आशा पारेख है बाबा, आशा पारेख वाला फिल्म का नाम नहीं बाबा, अरे ज्ञान की बातें करो नहीं बाबा, वो पूछ रहे बेहद में तीसरी देवी कौन सी, श्री देवी मानी जो श्रेष्ठ देवी है, नहीं बेहद में तीसरी देवी जी, गंगा है या जमुना है या सरस्वती है, ऐसी कौन है, तीन ही देवियां गाई गई है, तीन ही नदियां गाई गई है, गंगा गंगा ही गंगा यमुना सरस्वती कह रहे थे, और तीन देवताएं हैं, उन तीनों देवताओं की तीन देवियां हैं, सेवा करते समय मुरली में कहा है कि हम बच्चों के शरीर में भी मम्मा बाबा प्रवेश कर सेवा कर ले कर कर चले जाते हैं ऐसा, हाँ? तो हाँ हाँ उस आत्मा को पता चलता है क्या सेवा करके गए मम्मा बाबा, ऐसा वो जो सेवा करके चले जाते हैं वो बीज रूप स्टेज में प्रवेश करके सेवा करते हैं या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके सेवा करते हैं, जब बीज रूप स्टेज होगी तो पता ही नहीं चलेगा, सूक्ष्म शरीर से जिन में प्रवेश होता है उनको जैसे गुजरात आदि प्रवेश होता है तो पता चलता है, बीज रूप अवस्था में प्रवेश करते क्या हाँ। बच्चों में हाँ। हाँ। सूत्र माला जुम्मन को पता नहीं था, चलो डापट कोने लगी हाँ। विश्व मित्र की तपस्या मैं का भंग करती है तो बेहद में पैसे बाबा कब तपस्या के पहले का यज्ञ के आदि में या एडवांस के आदि में फेल कहेंगे या पास कहेंगे, फेल कहेंगे। Thank you.
जब पास हुए नहीं राम के तो कोई ने तो तपस्या भंग की होगी ना, तब तो नाक रगड़ी गई। कौन बाबा? कौन इसका मित्र की बात कर रहे हैं? नहीं, मैन का कौन? मैन मैन है क्या? मुख्य है, मुख्य पास है क्या? यज्ञ के आदि में बता रहे ना बाबा, शायद आदि में हो, अंत में हो, ये बात नहीं बता दिया, बताया ताकि समझ में जल्दी आ जाए। है लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस, हाँ क्या है, लाइट हाउस जहाँ सब सफेद ही सफेद हो। है दूसरा रंग कोई नहीं, बाप विदेशी बन के आया, स्वदेशी बन के आया है, विदेशी बन के आया तो वाइट ही वाइट होगा ना, वाइट हाउस है। चल बस।